Assalamu alaikum. Today I am going to discuss with you in this video test of yourself of chapter number 3, periodic table and periodicity. So first question is, what is strength of atomic radius in group? के बताइए कि atomic radius का group के अंदर क्या strength है, और आपको पता है कि atomic radius क्या होता है? किसी भी दो एटम के दरमियान का जो डिस्टेंस है उसे आप एटॉमिक रेडियस कहते हैं, और डाउन द ग्रुप वो क्या होता है, इंक्रीज़ होता है, क्योंकि डाउन द ग्रुप आपकी तीन चीज़ें इंक्रीज़ होती हैं। एक आपका एटॉमिक नंबर, यानी एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता है जिसकी वजह से आपका एटम का साइज़ भी इंक्रीज़ होता है और नंबर ऑफ शेल्स भी इंक्रीज़ होते हैं। सो इट्स आंसर इज़ डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस। Now the next question is, why do bigger size atoms have more shielding effects? बताइए जिन एटम का साइज बड़ा होता है उनमें शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा क्यों होता है? तो आपको इसमें इसके लिहाज से बुक में भी एक एग्जाम्पल दी हुई है सोडियम और पोटेशियम की। तो आपको पता है कि जिन एटम का साइज़ बड़ा होगा, इट्स मीन कि उसके अंदर जो नंबर ऑफ शेल्स की तादाद है वो ज़्यादा होगी, और नंबर ऑफ शेल्स की तादाद का मतलब है कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भी जो उसके शेल्स में होंगे वो भी बहुत ज़्यादा होंगे, जिसकी वजह से वो ऐसा स्क्रीन बिहेव करेंगे, ऐसा प्रोटोकॉल प्रोवाइड कर देंगे अंदर के न्यूक्लियस को, जिसकी वजह से उसका शील्डिंग इफेक्ट हाई हो जाएगा। तो बुक में सोडियम का शील्डिंग इफेक्ट कम है एज़ कम्पेयर टू पोटेशियम, क्योंकि सोडियम के नंबर ऑफ शेल्स कम है तो उसका शील्डिंग इफेक्ट भी कम है, जबकि पोटेशियम का साइज़ भी बड़ा है और नंबर ऑफ शेल्स भी इन ज़्यादा है उसमें, तो उसका शील्डिंग इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज़, विच एलिमेंट हैव हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी एंड व्हाई? बताइए कि किन एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और क्यों होती है, ठीक है? तो अगर आप इसको गूगल पे सर्च करेंगे तो इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स मिलेंगे, लेकिन इसके आंसर्स सही यही है कि जैसे जैसे हम मूव होते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड, तो आपकी आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज़ होती है। उसकी वजह क्या है कि आपका न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज़ हो रहा होता है, जिसकी वजह से आपका जो एटम का साइज़ वो श्रिंक हो रहा होता है, छोटा हो रहा होता है, और उसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके अंदर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो उनको हेल्प करके रखती है, जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। यानी ये बहुत मुश्किल हो जाता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को किसी एटम के अंदर से निकाला जाए। तो जिस तरीके से आप मूव होते जाएंगे तो सबसे लास्ट में आपको क्या मिलेंगी, नोबल गैसेस मिलेंगी। तो उनमें सबसे ज़्यादा क्या होती है, उनकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, क्योंकि वो एक तो सबसे लास्ट में आ रहे हैं और उनका जो ऑक्टेट रूल होता है वो भी बहुत ज़्यादा कंप्लीट होता है, यानी उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होते हैं। तो बड़ी मुश्किल होती है कि उधर से आप कोई भी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाएं, तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी नोबल गैसेस की होती है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन होता है, और मैं फिर मेरा दिल चाहता है कि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ। थैंक यू सो मच।